जय साथियों, सबसे पहले स्वागत है आप सबको इस नए वीडियो पे। मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री पार्ट टू के एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आप लोग पार्ट टू के एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे आसानी पूर्वक, ठीक है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हेतु तो कौन कौन से चीजों की जरूरत होगी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र ओपन करिए और गूगल सर्च बार में टाइप करिए www.lnmuinfo.in और सर्च कर दीजिए। इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं। एडमिट कार्ड को लेकर या एग्ज़ाम को लेकर संपूर्ण अपडेट इस साइट पर आप लोगों को मिल जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एडमिशन सेक्शन में भी आप लोगों को LNMU पार्ट टू एडमिट कार्ड डाउनलोड है और लेटेस्ट न्यूज में भी है। तो आप किसी एक लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को नीचे आना है, ठीक है। नीचे में एग्ज़ाम को लेकर संपूर्ण अपडेट यहाँ पे दे दी गई है, देख सकते हैं। मैंने एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके यहाँ पे डाल दिया हूँ। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए, नीचे आने के बाद प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट भी है, वैसे आपके एडमिट कार्ड पे भी सभी चीज़ रहेगा। और डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे है पार्ट टू एडमिट कार्ड डाउनलोड 2022, उस पर कर सकते हैं। अगर एडमिट कार्ड में टूटी हुआ है तो आप महाविद्यालय से, और सभी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बता देता हूँ। तो एडमिट कार्ड वाले लिंक पे क्लिक करना है, डाउनलोड पार्ट टू एडमिट कार्ड 2022, इस पर आप लोग क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने अगला इंटरफेस इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को कुछ सेलेक्ट करना है, जैसे डाउनलोड करने के लिए आपके पास रोल नंबर या मोबाइल नंबर, इससे भी हो सकता है, और मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी रोल नंबर और मोबाइल नंबर से करता हूँ। इसके बाद आपके सामने अगला इंटरफेस इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर अपना टाइप करना है और मोबाइल नंबर टाइप करना है। तो चलिए मैं दोनों चीज़ टाइप कर देता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, इसके बाद इसका मोबाइल नंबर भी डाल दिए हैं, देख सकते हैं। जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर टाइप किया, इस प्रकार से भी आप टाइप कर दिएगा। वही रोल नंबर आप लोगों को डालना है जो पार्ट वन में आपका होगा, तो वही पार्ट टू में भी होगा, ठीक है। नीचे देखिएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर दिया हूँ, थोड़ा देर वेट करना है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, और इस स्टूडेंट का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गया है। एग्ज़ाम 12/12/2022 होंगे, वो सभी चीज़ यहाँ पे दिया गया है और देख सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को इस एडमिट कार्ड को प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो ऊपर में आप देख सकते हैं रेड कलर में क्लिक हेयर टू प्रिंट या डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर आप लोग क्लिक करना है। और इसके बाद आप अपने मोबाइल में भी इसे PDF फाइल में रख लीजिएगा। इसे डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट करा लीजिएगा। प्रिंट आउट कराने के बाद अपने महाविद्यालय में जाइएगा और उस पर साइन और मोहर करवा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।